हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट इन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट इन की प्रैक्टिस? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट इन की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उस पर भी वर्क करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियो आपका एक एडवांस आउटलाइन सेक्शन है। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, स्मार्ट आउटलाइन एंड एडवांस आउटलाइन का सेक्शन मैनेज करते हैं, उसी फ्लो में ये वीडियो आपका स्मार्ट आउटलाइन का सेक्शन है, जहां पर कि हम उन कुछ वर्ड्स पे वर्क करेंगे जो कि एडिटोरियल प्रैक्टिस में, समझ रहे हैं ना, जो एडिटोरियल प्रैक्टिस होती है, जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसका जो एडिटोरियल या संपादकीय जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस पेज पे जो आपकी वर्ड्स आते हैं या जो पैराज आते हैं हमारे, या जो भी आर्टिकल आते हैं, उनमें ज्यादातर यूज होने वाले वर्ड्स जो कि हमें जब लिखते समय हाथ भी अटक सकता है या हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आज हम वर्क करेंगे उन कुछ शब्दों पर। ठीक है, कुछ इजी हैं, कुछ टफ हैं, कुछ वो हैं जो शायद आपको पिछली कुछ स्मार्ट आउटलाइंस में मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूं। ठीक है, बट चूंकि यहां पर ये पूरा एक सेगमेंट मिला है तो यहां पर भी मैंने आपको उन पर फोकस किया है। तो चलिए देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं और हम उन वर्ड्स पर कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिएगा। प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है आपको तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगी और आप कोशिश करूंगी कि आपको उसका एक इजी फॉर्मेट प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो देखिए आज जो स्मार्ट आउटलाइन है इसमें सबसे पहला जो वर्ड हमारा आता है वो है किसी भी। किसी भी शब्द है, अब किसी का ऑलरेडी हमने एक शब्द चिन्ह बना रखा है। ठीक है, और उसी में हम भी ऐड करेंगे। तो जैसे आपने जब ही तभी शब्द बनाए है ना, किस तरह से बनाया था, तभी ता में भ जोड़ दिया था, तभी बन गया था। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे किसी, तो किस तरह से बनेगा ये शब्द देखिए, का की व्यंजन रेखा में सा का व्रत आया, ये किस किसी का बन गया है ना, और यहाँ पर भी जोड़ दिया। अब इसको मैंने लाइन के ऊपर बनाया है। ठीक है, तो आप चाहें आप शब्द चिन्ह के अकॉर्डिंग भी इसको किस किसी का, जहां हम शब्द चिन्ह बनाते हैं उस तरह से बनाकर और भी इसमें बाहर को निकाल के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी, और शब्द छोटा नहीं होगा, जो नॉर्मल व्यंजन रेखा हम वर्क कर रहे हैं उसी व्यंजन रेखा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर खाली ये भी मतलब साके व्रत को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए बनाएंगे तो भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट शब्द है हमारा राष्ट्रीय, तो राष्ट्र का शब्द रा की व्यंजन रेखा सा का व्रत और ये टा में रा का हुक निकालते हुए हम बनाएंगे इस तरह से और यहीं पर या को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया राष्ट्रीय। ठीक है, किस तरह से बना देखिए, राष्ट्रीय। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बनेगा हमारा। इसके बाद आपका आता है संकट के समय में, तो संकट का जो शब्द हम बनाते हैं, सा का व्रत है, का की व्यंजन रेखा को छोटा किया है, ठीक है, तब बना संकट, के लिए इसको थोड़ा बाहर निकाला और समय का शब्द इसमें ऐड कर दिया तो बन गया संकट के समय। ठीक है, ये छोटा बनेगा यहाँ पर, जो का की व्यंजन रेखा है वो छोटी बनेगी। छोटा बनने का रीजन ये होता है कि हम यहाँ पर इस शब्द को ट त या का के लिए छोटा कर रहे हैं, तो ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। रूल भी आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि शब्द को रटना ना पड़े। हमेशा याद रखिए, अगर रटने वाली प्रोसेस रखेंगे तो डिक्टेशन के समय पर शब्द आप प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो शब्द आप पढ़ रहे हैं या जो भी आउटलाइन आप बना रहे हैं, वो आउटलाइन आपकी रूल से या फिर कोई ना कोई उसमें जो भी लॉजिक है उससे लिंक होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप बनाएं उसको तो आपका हाथ ना अटके और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो उस चीज को जरूर फोकस कीजिएगा ताकि आउटलाइन अच्छे से मैनेज हो जाए और आपको समझ में भी आए। ठीक है, इसके बाद देखिए एक शब्द आ रहा है मत साम्यता। मत साम्यता किस लिए का, देखिए मत मदद वैसे तो आपका शब्द चिन्ह है। ठीक है, तो हमने यहां पर ये माँ को शॉर्ट बनाया, ठीक,
और यहाँ पर हल्का सा इसको निकाल के अब इसको थोड़ा सा भी बड़ा नहीं करेंगे, ये साम्यता, इस यहाँ पर भी ये छोटा बनेगा। जिस तरह से संकट के समय में हमने ये थोड़ा बड़ा कर दिया था ना, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ ये इसी फ्लो में, जैसे हमने शब्द चिन्ह बनाया था ना, किसका बनाया था, देखिए मुश्किल का एक शब्द चिन्ह बनाया था, इसमें क्या किया था, सा के व्रत को थोड़ा बाहर निकाल के वहीं पर ला की व्यंजन रेखा को ऐड कर दिया था। सेम वैसे ही हम यहाँ पर मत साम्यता के लिए शब्द को जोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, इस शब्द पढ़ने में भी आएगा और आसानी होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शब्द आता है हमारा निर्णायक दल, तो निर्णायक ये बन गया, निर्णायक या की व्यंजन रेखा को छोटा किया और दा और ला इसी में ऐड कर दिया, जैसे मजदूर दल आपका मजदूर दल हो गया, या आपका अदर श्रमिक दल हो गया, उसी तरह से निर्णायक दल, निर्णायक का सिंबल बनाया और इसमें दल ऐड कर दिया, निर्णायक दल इस तरह से। इसके बाद आपका शब्द आता है फैसलों, तो देखिए फ हमने शुरू में काटा है, सा का व्रत बनाया है, ला बनाया है, और चूंकि बहुवचन शब्द है तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा डॉट इंडिकेट कर दिया, ये मैंने घुमा के बनाया है, आप इतना नहीं घुमाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम डॉट को लोकेट करें, आप सिंपल एक डॉट रखेंगे, चूंकि वो व्यंजन रेखा के जस्ट बाद में आएगा, दैट मीन्स इट इंडिकेट दैट द वर्ड इज इन प्यूरल फॉर्म, जो ये बताएगा कि ये जो शब्द है ये प्यूरल फॉर्म में डिफाइन हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए शब्द आता है आपका दहलीज, तो ये देखिए द बना, बड़ा हा बनाया, इसी को बाहर ले जाते हुए ला बनाया, और इसमें जा का सर्किल, क्योंकि जा के लिए सर्किल कभी भी शुरू में नहीं आता है, ये सा और जा का व्रत जब मैंने आपको बताया था उस समय पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो जब शुरू में नहीं आता है तो कहाँ आता है, या तो बीच में आता है या फिर व्यंजन के लास्ट में आता है, तो उसी फ्लो में हमने इसको व्यंजन के लास्ट में बनाया, तो क्या बन गया हमारा दहलीज। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो है सर्वदलीय, तो सवेरा सर्व का हमारा शब्द चिन्ह है, हम उस लाइन को खींचेंगे, ठीक है, फिर द और ला, दल के लिए मैंने भी आपको बता रखा है, अब इसमें है दलीय, तो ये या ला बना और इसमें या जुड़ गया, तो कैसे बना देखिए, सर्वदलीय, इस तरह से ये शब्द बनेगा जाके आपका, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है आपका बैठक कर सकेंगे, तो बैठक कर सकेंगे हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए ब को शॉर्ट फॉर्म में बनाया बैठक, ठीक है, कर सकेंगे, एक तो ये फॉर्म हो गया, एक आप क्या कर सकते हैं, बा को बना के ठा को छोटा कर दिया, तो इसमें का, सॉरी इसमें का जुड़ गया, कर सकेंगे ये ऐड हो गया, मतलब यहां मैंने जो बनाया है इसमें का को ऐड किया है, और यहां मैंने बाकी व्यंजन रेखा वो शॉर्ट फॉर्म बना के ठा की व्यंजन रेखा को छोटा कर दिया है, तब उसमें अगला शब्द हमने ऐड कर दिया, दोनों में से जो फॉर्मेट आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा वाला फॉर्मेट ज्यादा इजी लगा, ठीक है, जिससे मुझे भी आगे शब्दों को आपके लिए बनाने में हेल्प मिले। इसके बाद देखिए शब्द आ रहा है आपका शुरुआती, तो शुरुआत का शब्द चिन्ह है, इसी में वा को छोटा करके लगाएंगे, क्योंकि वा के बाद आ रहा है त, शुरुआती नहीं आता, शुरुआती शब्द हम बोलते हैं तो वा की व्यंजन रेखा साउंड करती है, इसीलिए हम यहाँ पर वा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है आपका मन भेद, तो मन का सिंबल बना, चूंकि मन पे कोई साउंड नहीं है तो हमने इसको लाइन के ऊपर बनाया है, ठीक है, भेद सेकेंड प्लेस साउंड है तो हमने भा की व्यंजन रेखा से इसको कट कर दिया है, मन भेद इस तरह से। इसके बाद आपका आया मत भेद, एक मन भेद होता है और एक मत भेद, यहां पर हमने क्या किया, डैश लगाते हुए मां की व्यंजन रेखा और ये ता का होगा, ठीक है, ये हो गया मत और ये हो गया भेद, मन भेद मत भेद, ठीक है, खाली इसमें डायरेक्शन का अंतर है, बाकी सिमिलर ही पढ़ने में आता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका नियमित, तो देखिए नियमित इस तरह से आप बनाएंगे नियमित, ठीक है, ये ना की व्यंजन रेखा, ये या की व्यंजन रेखा, माँ को छोटा किया और ये ता का हुक लगा दिया, नियमित। अंतराल, तो तर का ये साउंड बीच में आ रहा है और अंक की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो हमने ये बनाया बड़ा ना की व्यंजन रेखा बड़ी बनाई लाइन पर, क्योंकि सेकंड प्लेस साउंड है और ला ऐड कर दिया इसमें, अंतराल,
ऊपर वाला ऐड करेंगे तो हमारा फ्लो बिगड़ जाएगा, इसीलिए हम लाइन पर ऐड करेंगे जिससे ये इजीली समझ में आए। तो इस तरह से ये शब्द बना अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संपूर्ण। ये तीन शब्द मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। बेसिकली संपूर्ण आपका है सा में मा की व्यंजन रेखा, सा का व्रत मा की व्यंजन रेखा। इसी को जब लाइन पे बना देंगे तो समय बन जाएगा, ठीक है, सा का व्रत मा की व्यंजन रेखा। और जब इसी शब्द को आप लाइन से काट के बनाएंगे, क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, तो बेसिकली हॉरिजेंटल स्ट्रोक में जो दो प्लेस ही डिफाइन होते हैं, एक लाइन के ऊपर एक लाइन पर, बट कहीं कहीं पर हमने अपनी सुविधा के लिए उसको थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, सीमा जब लिखना होगा तो लाइन काट कर, बस संपूर्ण समय सीमा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम। फिर शब्द आता है आपका सामना कर रहा है, तो देखिए सामना कर रहा, रही रहे के लिए डबल हो गया है, तो सामना कर रहा है इस तरह से, ये ठीक है। इस तरह से शब्द बन जाएगा हमारा, जिससे कि आप इसको पढ़ भी सकें और आसानी से समझ भी सकें। तो ये जितने भी शब्द थे इनमें बेसिकली कोशिश ये की गई है कि आपको आसानी हो शब्दों को बनाने में, और उससे ज्यादा मैं फोकस ये रखती हूँ कि शब्द पढ़ने में भी इजी हो। ठीक है, सिर्फ बना लेना ही हमारा टारगेट नहीं होता है, हमारा टारगेट तब कंप्लीट होता है जब हम अपने बनाए हुए शब्दों को आसानी से पढ़ भी पाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट शब्द जो हमारे आ रहे हैं, वो है पहला शब्द हमारा आता है व्यापकता। ठीक है, व्यापक का शब्द चिन्ह है, कैसे बनाते हैं हम, व्याप लिखते हैं तो व या प, ठीक है, और इसी में ये प छोटा हुआ और ता ऐड हो गया, व्यापकता इस तरह से बनेगा। इसके बाद आपका जो शब्द आता है ये है जटिल। ठीक है, तो जा की व्यंजन रेखा टा में ला, और इसको छोटा कर सकते हैं, एक तो फॉर्मेट ये कर सकते हैं आप जटिलता के लिए, दूसरा आप नहीं समझ पाते हैं तो ताकि पूरी व्यंजन रेखा बना दीजिए, क्योंकि एक शब्द बना के अगर हमें उस शब्द को पढ़ने में आसानी हो रही है, हम उस शब्द को आसानी से पढ़ पा रहे हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो वो फॉर्मेट ज्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मद्देनजर। तो माँ की व्यंजन रेखा बनाई, ना की व्यंजन रेखा बनाई, और जा में रा का हुक लगाते हुए मद्देनजर। कई बार, कोई कई का शब्द चिन्ह है ये कई, ठीक है, अब यही शब्द चिन्ह बना कई बार इस तरह से, ये हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया, बस इतना किया है कि कई में बार का सिंबल कंबाइन कर दिया है। इसके बाद आपका आता है बिखर जाता है, तो देखिए बा को शॉर्ट फॉर्म में बनाया, ब खा में रा का हुक, जाता है, ठीक है, इस तरह से हम इस शब्द को बनाएंगे। जा में जाता पूरा लिखा और है ता साइलेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द आता है बुनियादी, तो देखिए बा को अगेन शॉर्ट किया, यहाँ से ना की व्यंजन रेखा को बनाया, या को शॉर्ट कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, या को छोटा और मोटा कर दिया तो दा जुड़ गया, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप इसको बुनियादी ऐसे ये ई की मात्रा के लिए निकल गया, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, बुनियादी। आदत, आ के लिए एक डैश बाहर निकाला, दा बनाया ता, ता के लिए ये ता, चूंकि कर्व लाइन में जुड़ रहा है तो एक कट किए हुए लाइन से जुड़ेगा, तो तब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। नहीं है, नहीं में है ऐड कर दिया हमने, ठीक है। नेता, अब यहां पर शब्द थे कैसे थे, नाता, नेता और नीति, सिंपल फॉर्मेट था, नाता लाइन के ऊपर, नेता लाइन पर, नीति लाइन काट कर, ठीक है, तो नाता नेता नीति इस तरह से ये बन जाते हैं शब्द। फिर शब्द आता है आपका परस्पर, तो देखिए परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब हम सा का व्रत बनाते हैं तो उस व्रत में रा भी जुड़ जाता है, तो इसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर इसको बनाया तो क्या हो गया, परस्पर, ठीक है। एक दूसरे, ये मैं आपको एडवांस आउटलाइन में बता चुकी हूँ, ठीक है, एक दूसरे खिलाफ, तो देखिए यहां पर ला का हुक आ गया,
खाकी व्यंजन रेखा फ, ये कट जो स्ट्रोक है ये हमने पहले ही दे दिया, ये इस तरह से खिलाफ, ठीक है। इसके बाद है आपका सियासी, तो सियासी वर्ड कैसे लिखेंगे, क्योंकि या में आ रहा है तो सा का व्रत, या की व्यंजन रेखा सा, और ये ई की मात्रा के लिए हम इसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे, सियासी, ठीक है। अवसर देती है, तो अवसर देती है इस तरह से कंबाइन कर देंगे हम यहां पर। जरूरतों, जरूरत का शब्द चिन्ह है ना, वही बनाया जामे ताका हुक, और ये बहुवचन कर दिया। तात्कालिक, तो तत्काल का लिखा ये हल्का सा डैश लगाया यहां पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ड रिपीटेशन मोड में है इसलिए, तो हमने लिखा तात्कालिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब हम, इसमें शब्द आ रहा है आपका व्यवहार, ओके। तो व्यवहार जो शब्द होता है हमारा, वो किस तरह से आप लिखोगे, वा बनाया, हा का बड़ा सिंबल बनाया और रा आगे निकाल दिया, व्यवहार। इसके बाद हमारा शब्द आता है प्राथमिक, तो देखिए प्रथम प्रणाम बनता है ना, तो प्रथम बनाया और ये का जोड़ दिया, एक तो इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, ये माँ को छोटा कर दिया हमने, व्यंजन रेखा ही छोटी बनाई, तो क्या हुआ कि माँ में का जुड़ गया, तो आप का की पूरी व्यंजन रेखा बना के भी बना सकते हैं, या फिर आप माँ की व्यंजन रेखा को शॉर्ट कर दें तो भी बन सकता है, ठीक है। आवश्यकता, आवश्यकता का सिंबल है हमारा, आवश्यक में ही ता की व्यंजन रेखा ऐड हो जाती है। शामिल, शा बना, सा का व्रत, ला का हुक और माँ की व्यंजन रेखा, सब दिखने चाहिए ताकि आप शब्द को पढ़ पाए, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा अनुकरणीय, तो अनुकरणीय किस तरह से लिखेंगे, देखिए ना लिखा, कर कामेरा का हुक नीय, अनुकरणीय इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, आ ना की व्यंजन रेखा, का और रा, ना और या, अनुकरणीय इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हमारा शब्द आता है स्वागत योग्य, स्वागत योग जो शब्द है, ठीक है, इसको लिखने के लिए स्वागत का शब्द चिन्ह है हमारा ये इस तरह से, स्वागत। अब इसमें हमें योग्य जोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्वागत योग्य, एक जो या है वो साइलेंट कर देते हैं, तो स्वागत ज्ञ होगा तो योग्य पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं होते हुए भी वहां हम उसको डिफाइन करते हुए पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद है आपका सबसे अच्छी बात यह है कि, तो किस तरह से लिखेंगे आप, सबसे अच्छी बात यह है कि, इसके बाद आया शारीरिक रूप से, ठीक है, तो शारीरिक रूप कैसे बना, ये शा, ईशा आया रीरिक, ठीक, रूप से, तो शारीरिक रूप से इस तरह से आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द आता है यात्राएं, तो यात्राएं किस तरह से लिखा हमने, या का सिंबल बनाया और उसमें त्रा की का जो चाप होता है उसको ऐड करेंगे और फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे, और चूंकि बहुवचन फॉर्म में है तो बहुवचन ही डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारा शब्द आता है वर्चुअल, वर्चुअल जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, आप इसको व बकरी वाला जो बा होता है ना उससे भी बना सकते हैं और व से भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मेट से मैं आपको बता दे रही हूं, जो आपको कन्वीनियंट लगे फिर आप उसको यूज करिए, ठीक है। पहला वाला जो बता रही हूं ये आपका है, देखिए वर्चुअल, ठीक है, एक तो ये हो गया ब में, दूसरा इसी को आप लिख सकते हैं, देखिए ये बनाया हमने वर्चुअल इस तरह से लिख सकते हैं, और एक फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहें इसका तो यही फॉर्मेट आपका कैसे बनेगा, वर्चुअल, चा को थर्ड प्लेस पे ले जाना जरूरी है ऊ की मात्रा को डिफाइन करने के लिए, तो इस तरह से भी बन जाएगा, तो इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा ऑनलाइन, तो ऑन ये हो गया लाइन, अब चूंकि आई की मात्रा है तो इसको डिफाइन करेंगे आप, इसको डिफाइन करने से ही ये वर्ड कंप्लीट होगा, ठीक है,
तो ऑनलाइन फर्स्ट प्लेस पे ये द्विध्वनिक साउंड हमने लगाई है। आप इसको साउंड भी लगा सकते हैं, आप लगाने के लिए इसमें डैश भी दे सकते हैं, लेकिन डैश उतना ज्यादा हमारे लिए पढ़ने में इजी नहीं होगा जितनी ये द्विध्वनिक मात्रा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में होगी। तो ऐसे वर्ड जब हम बनाते हैं तो हमें कैच करने में बड़ी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एज अ कीवर्ड ये लिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि कोई भी शब्द अगर आप बनाएं तो उस शब्द को इस तरह से बनाएं ताकि आप जब उसको पढ़ें तो एकदम से माइंड पे क्लिक हो कि ये इस कैटेगरी का वर्ड है। ओके, अब आता है मजबूत। तो म जा का व्रत और बाकी व्यंजन रेखा को ता के लिए छोटा कर दिया, मजबूत। परंपरा, ठीक है, तो परंपरा। ठीक है, इस तरह से बनेगा परंपरा। इसके बाद देखिए जो शब्द आता है हमारा वो है बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा सकते हैं जब हम लिखेंगे तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको? यहां पर बढ़ा के लिए बा और ढा की व्यंजन रेखा आ जाएगी, तो हमने लिखा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सकता सकती सके का इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद आपका आता है संवाद। संवाद शब्द जब हम लिखेंगे तो सम के लिए एक छोटा सा व्रत बनाते हैं। ठीक है, ये व्रत हमने बनाया, इसी में वाद जोड़ दिया, संवाद। आप चाहें तो हल्का सा बना के फिर वाद जोड़ दो। ठीक है, तो सम के लिए ये आ जाता है संवाद। वाद में वा की व्यंजन रेखा थोड़ा मोटी छोटी मोटी बनेगी ना, तो दा भी ऐड हो जाता है। तो संवाद, ये भी नहीं आ रहा है तो आप संवाद इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड हम बना चुके हैं तो क्या होगा, वो हमारे दिमाग में रहेंगे, लिंक हो जाते हैं। तो हम इसको संवाद ऐसे लिखेंगे तो हमें ज्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, आप बना के देखिए आपको कौन सा वाला ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। वो शब्द लीजिए जो माइंड में एकदम से क्लिक करे, जब आप पढ़ने चलें तो आपको इफ एंड बट नहीं हो, आप तुरंत उस शब्द को समझ जाएं। ठीक है, उस शब्द को आप प्रैक्टिस में लेंगे। इसके बाद वर्ड आता है आपका आयोजित। हल्का सा डैश निकाला आ के लिए, या की व्यंजन रेखा, जा में ता, आयोजित। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हम बनाएंगे। इसके बाद हमारा आता है शब्द नेक्स्ट जो है वो है खर्चा। देखिए ख में रा और चा लाइन से ऊपर बनाएंगे क्योंकि यहां पर फर्स्ट प्लेस साउंड है। फिर शब्द आता है हमारा संचार तकनीकी। तो देखिए संचार, ठीक है, तकनीकी के लिए मैंने आपको एक सिंबल बताया ता में ना, कैसे, इस तरह से ता भी छोटा बनेगा और ना के बाद भी का आ रहा है। तो तकनीक के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत इजी वर्ड है, आप बहुत जल्दी रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो संचार कैसे लिखा, संचार तकनीकी ये। ठीक है, काफी हल्का सा ये का के लिए बनाएंगे फा, फा में ई की मात्रा ऐड कर दी। सुधार सा ध और रा, सुधार। मत मदद का हमारा सिंबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे, तो ये बना मत मदद इस तरह से। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां, तो राजनीतिक ये बन गया, ऐसे बनाइए या फिर हम बना सकते हैं राजनैतिक पार्टियां, पार्टी के लिए इसको कट कर देंगे। ठीक है, तब ये हम इजिली पढ़ पाएंगे। गुना या गुणा, वैसे तो गुना के लिए क्या होता है ना, जैसे दो गुना तीन गुना हम लिखते हैं ना, तो वो ना की व्यंजन रेखा के साथ आता है, उसके लिए होता है कि हमने सिर्फ ना की व्यंजन रेखा बना दी। लेकिन ये गुणा आ रहा है तो आप इसको थर्ड प्लेस पे डिफाइन करते हुए बना सकते हैं, गुना। बढ़ा सकती है, अब बढ़ा सकती है भी इसी में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम अलग भी लिख सकते हैं, तो अलग लिखने में बढ़ा सकती है, और चूंकि ई की मात्रा है तो साउंड डिफाइन कर दीजिए, एक छोटा सा डैश थर्ड प्लेस पे इंडिकेट कर दीजिए ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आप समझ सकें कि आपने क्या शब्द बनाया है। ठीक है, जिम्मेदारी, तो जा की व्यंजन रेखा मां और ये दार धार का हल्का सा बाहर निकाल देंगे तो जिम्मेदारी हो गया। सत्ता पक्ष,
सत्ता पक्ष। अब देखिए आया लोकतांत्रिक, तो लोक के लिए ला की व्यंजन रेखा, तांत्रिक में ता की व्यंजन रेखा को डबल कर देंगे, ये लोकतांत्रिक। ठीक है, शब्द है ढंग, तो ये बना ढा, और यहां पर बगैर गैप दे के ऐसे घुमाएंगे, किस तरह से घुमाया, इस तरह से, ये गैपिंग नहीं है। ठीक है, ना सर्किल है ना गैपिंग है, हल्का सा ऐसे इंडिकेट किया है हमने, तो अंग की मात्रा को शब्द के बीच में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका आयोजित करना चाहिए, तो देखिए आयोजित, ठीक है, करना चाहिए, करना चाहिए हम इसी में जा की व्यंजन रेखा में ही ऐड कर देंगे। पार्टी, अब सेपरेट अगर कहीं पार्टी आता है तो खाली पा की व्यंजन रेखा से हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तब यहाँ पे पूरा बनाना पड़ेगा, पार्टी, सॉरी पार्टी, इस तरह से लिखेंगे, टी के लिए ये द्विध्वनिक साउंड निकाल सकते हैं। सांसद, ठीक है, सांसद शब्द जब लिखेंगे आप तो देखिए कैसे लिखा हमने, सांसद, इस तरह से लिखेंगे। संतोष, तो छोटा सा सर्किल बनाएंगे और ता में सा ऐड कर देंगे, संतोष। असंतोष के लिए हल्का सा बाहर निकाल के बनाएंगे और यहाँ पे ता में सा ऐड कर देंगे, हल्का सा बाहर निकाला है ये, बहुत बड़ा सर्किल नहीं बनाएंगे, छोटा सर्किल बनेगा। ठीक है, जो अनुस्वार में हम लगाते हैं वो वाला सर्किल, तो संतोष। इसके बाद है राय नहीं ली जा रही है, तो देखिए राय तो ये हो गया, ठीक है, अब आया है नहीं ली जा रही है, ठीक है, तो राय नहीं ली जा रही है, इस तरह से ये शब्द बनेगा। रहा रही रहे के लिए जा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया है और लास्ट में एज अ टैग हमने है को यूज कर दिया, तो इस तरह से ये शब्द बने हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी सीरीज में नेक्स्ट आता है विशाल, तो व श और ल, विशाल, विशाल पार्टी। बेहतर, तो ब ह और हा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया, तो तर दर के लिए ये डबल हो गई, बेहतर। संभव, इसी को थोड़ा बाहर से निकाल के बनाएंगे तो ये बन गया असंभव, ठीक है, असंभव, इस तरह से। फिर लोकतंत्र, वही है, लोक का व्यंजन रेखा बनाया, तंत्र के लिए ताकि व्यंजन रेखा को डबल कर दिया। इसके बाद सिंबल आता है हमारा दिमाग, दिमाग में दा की व्यंजन रेखा को थर्ड प्लेस काउंट करेंगे, मा और ग, ठीक है, दिमाग। टटोलते, तो टा, टा में ला का हुक और नीचे ता का हुक, दोनों हुक लगेंगे, ठीक है, टटोलते। भारतीय लोकतंत्र, तो देखिए भारतीय बन गया लोकतंत्र, इस तरह से डिफाइन हो गया। जितना होना चाहिए, तो ये बना जितना होना चाहिए, ठीक है, होना, होता होना का शब्द चिन्ह है, उसी में चाहिए लग गया। उतना ही हुआ है, तो उतना ही, हल्का सा बाहर निकाला हुआ है, हुआ, हुई, हुए का भी हमारा शब्द चिन्ह है, उसको बनाते हुए हमने यहाँ पर इसको बनाया है शब्द को, ठीक है वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। और गाइज आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना है मुझे, रिसेंटली हमने अपने चैनल को टेलीग्राम पे भी लॉन्च किया है, तो वहाँ पर हम आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है उसको शॉर्ट आउट करेंगे, प्लस पीडीएफ प्रूफ्स भी अवेलेबल कराएंगे, तो उसको कंटिन्यूशन में रखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको उसका जो भी बेनिफिट है वो इजीली प्रोवाइड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बैक काउंटिंग के बाद मैं अपनी डिक्टेशन को स्टार्ट करूंगी, तो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय आपसी मत साम्यता जरूरी है, और मत साम्यता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है
वहाँ हम जितनी ज़्यादा सर्वदलीय बैठक कर सकेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। संभव है शुरुआती बैठकों में मनभेद और मतभेद ही ज़्यादा नज़र आए, इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा। आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है उसकी व्यापकता और जटिलता के मद्देनज़र हमारा किसी विचार पर पहुंचने के लिए साथ बैठना सबसे ज़रूरी है। भारत संकट के मौके के कई बार बिखर जाता है क्योंकि हम में साथ बैठने की बुनियादी आदत नहीं है। पर्दे के पीछे नेता परस्पर संबंध निभा लेते हों मगर देश के सामने वे एक दूसरे के खिलाफ दिखने में ही अपना हित देखते हैं। ध्यान रहे यह सिर्फ सियासी हित है। इस हित को साधने में कोई बुराई नहीं। राजनीति इसके लिए पूरे अवसर देती है, लेकिन देश की मांग और ज़रूरतों का एक अलग ही स्तर है। कोई भी देश अपने तात्कालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है, लेकिन आज ज़रूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके लिए साथ बैठना प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे में किसी सर्वदलीय बैठक में 20 दलों का शामिल होना अनुकरणीय और स्वागत योग्य है। सबसे अच्छी बात कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोरोना के दौर में वर्चुअल या ऑनलाइन बैठकों की मजबूत होती परंपरा ने भी हमें मौका दिया है कि हम परस्पर संवाद बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसे संवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था, लेकिन अब संचार
तकनीकी में काफ़ी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस्पर संवाद को कई गुना बढ़ा सकती हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि संवाद बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है। सत्ता पक्ष को इन संवादों को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित करना चाहिए। हर पार्टी और हर सांसद का अपना महत्व है। किसी भी दल में यह असंतोष नहीं रहना चाहिए कि देश पर आए संकट के समय उसकी राय नहीं ली जा रही है। ज़रूरी नहीं कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हैं। संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बेहतर देश सेवा संभव हो। किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय आपसी मत साम्यता जरूरी है और मत साम्यता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। आज के समय में भारत जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है वहाँ हम जितनी ज़्यादा सर्वदलीय बैठक कर सकेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। संभव है शुरुआती बैठकों में मनभेद और मतभेद ही ज़्यादा नज़र आए, इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा। आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है उसकी व्यापकता और जटिलता के मद्देनज़र हमारा किसी विचार पर पहुंचने के लिए साथ बैठना सबसे ज़रूरी है। भारत संकट के मौके पर कई बार बिखर जाता है क्योंकि हमें साथ बैठने की बुनियादी आदत नहीं है। पर्दे के पीछे नेता भले परस्पर संबंध निभा लेते हों मगर वे
देश के सामने, एक दूसरे के खिलाफ दिखने में ही अपना हित देखते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ सियासी हित है। इस हित को साधने में कोई बुराई नहीं। राजनीति इसके लिए पूरे अवसर देती है, लेकिन देश की मांग और ज़रूरतों का एक अलग ही स्तर है। कोई भी देश अपने तात्कालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है, लेकिन आज ज़रूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके लिए साथ बैठना प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे में किसी सर्वदलीय बैठक में 20 दलों का शामिल होना अनुकरणीय और स्वागत योग्य है। सबसे अच्छी बात कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोरोना के दौर में वर्चुअल या ऑनलाइन बैठकों की मजबूत होती परंपरा ने भी हमें मौका दिया है कि हम परस्पर संवाद बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसे संवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था, लेकिन अब संचार तकनीक में काफ़ी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस्पर संवाद को कई गुना बढ़ा सकती हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि संवाद बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है। सत्ता पक्ष को इन संवादों को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित करना चाहिए। हर पार्टी और हर सांसद का अपना महत्व है। किसी भी दल में यह असंतोष
नहीं रहना चाहिए कि देश पर आए संकट के समय उनकी राय नहीं ली जा रही है। जरूरी नहीं कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हों। संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बेहतर देश सेवा संभव हो। किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय आपसी मत साम्यता जरूरी है और मत साम्यता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। आज के समय में भारत जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है वहाँ हम जितनी ज़्यादा सर्वदलीय बैठक कर सकेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। संभव है शुरुआती बैठकों में मनभेद और मतभेद ही नजर आए, इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा। आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है उसकी व्यापकता और जटिलता के मद्देनज़र हमारा किसी विचार पर पहुंचने के लिए साथ बैठना सबसे ज़रूरी है। भारत संकट के मौके पर कई बार बिखर जाता है क्योंकि हम में साथ बैठने की बुनियादी आदत नहीं है। पर्दे के पीछे नेता भले परस्पर संबंध निभा लेते हों मगर देश के सामने वे एक दूसरे के खिलाफ दिखने में ही अपना हित देखते हैं। ध्यान रहे यह सिर्फ सियासी हित है। इस हित को साधने में कोई बुराई नहीं। राजनीति इसके लिए पूरे अवसर देती है लेकिन देश की मांग और ज़रूरतों का एक अलग ही स्तर है।
कोई भी देश अपने तात्कालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है, लेकिन आज ज़रूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके साथ बैठना प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे में किसी सर्वदलीय बैठक में 20 दलों का शामिल होना अनुकरणीय और स्वागत योग्य है। सबसे अच्छी बात कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोरोना के दौर में वर्चुअल या ऑनलाइन बैठकों की मजबूत होती परंपरा ने भी हमें मौका दिया है कि हम परस्पर संवाद बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसे संवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था, लेकिन अब संचार तकनीक में काफ़ी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस्पर संवाद को कई गुना बढ़ा सकती हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि संवाद बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है। सत्ता पक्ष को इन संवादों को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित करना चाहिए। हर पार्टी और हर सांसद का अपना कर्तव्य है कि किसी भी दल में यह असंतोष नहीं रहना चाहिए कि देश पर आए संकट के समय उसकी राय नहीं ली जा रही है। ज़रूरी नहीं कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हैं। संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बेहतर देश सेवा संभव हो। किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। टूंगी, लेट्स स्टार्ट विद द डिक्टेशन, दैट इज 80 वर्ड्स पर मिनट। कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिए इस टाइम ड्यूरेशन में। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय आपसी साम्यता ज़रूरी है और मत साम्यता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज़्यादा
ज़रूरी है। आज के समय में भारत जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है, वहाँ हम जितनी ज़्यादा सर्वदलीय बैठक कर सकेंगे, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। संभव है शुरुआती बैठकों में मनभेद और मतभेद ही ज़्यादा नज़र आएं, इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा। आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है, उसकी व्यापकता और जटिलता के मद्देनज़र हमारा किसी विचार पर पहुंचने के लिए साथ बैठना सबसे ज़रूरी है। भारत संकट के मौके पर कई बार बिखर जाता है, क्योंकि हम में साथ बैठने की बुनियादी परंपरा नहीं है। पर्दे के पीछे नेता भले परस्पर संबंध निभा लेते हैं, मगर देश के सामने वे एक दूसरे के खिलाफ दिखने में ही अपना हित देखते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ सियासी हित है। इस हित को साधने में कोई बुराई नहीं। राजनीति इसके लिए पूरे अवसर देती है, लेकिन देश की मांग और ज़रूरतों का एक अलग ही स्तर है। कोई भी देश अपने तात्कालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है, लेकिन आज ज़रूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके लिए साथ बैठना प्राथमिकता आवश्यक है। ऐसे में किसी सर्वदलीय बैठक में 20 दलों का शामिल होना अनुकरणीय और स्वागत योग्य है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोरोना के दौर में वर्चुअल या ऑनलाइन बैठकों की मजबूत होती परंपरा ने भी हमें मौका दिया है। हम परस्पर संवाद बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसे संवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था, लेकिन अब संचार तकनीकी में काफ़ी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस्पर संवाद को कई गुना बढ़ा सकती हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि संवाद बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है। सत्ता पक्ष को इन संवादों को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित कराना चाहिए। हर पार्टी और हर सांसद का अपना महत्व है। किसी भी दल में यह असंतोष नहीं रहना चाहिए कि देश पर आए संकट के समय उसकी राय नहीं ली जा रही है। ज़रूरी नहीं कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हैं। संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बेहतर देश सेवा संभव हो। किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट।
किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय आपसी मत साम्यता जरूरी है और मत साम्यता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। आज के समय में भारत जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है, वहाँ हम जितनी ज़्यादा सर्वदलीय बैठक कर सकेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। संभव है शुरुआती बैठकों में मनभेद और मतभेद ही नज़र आए, इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा। आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है, उसकी व्यापकता और जटिलता के मद्देनज़र हमारा किसी विचार पर पहुंचने के लिए साथ बैठना सबसे ज़रूरी है। भारत संकट के मौके पर कई बार बिखर जाता है, क्योंकि हमें साथ बैठने की बुनियादी आदत नहीं है। पर्दे के पीछे नेता भले परस्पर संबंध निभा लेते हों, मगर देश के सामने वे एक दूसरे के खिलाफ देखने में ही अपना हित देखते हैं। ध्यान रहे, यह सियासी हित है। इस हित को साधने में कोई बुराई नहीं। राजनीति इसके लिए पूरे अवसर देती है, लेकिन देश की मांग और ज़रूरतों का एक अलग ही स्तर है। कोई भी देश अपने तात्कालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है, लेकिन आज ज़रूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके लिए साथ बैठना प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे में किसी सर्वदलीय बैठक में 20 दलों का शामिल होना अनुकरणीय और स्वागत योग्य है। सबसे अच्छी बात कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोरोना के दौर में वर्चुअल या ऑनलाइन बैठक की मजबूत होती परंपरा ने भी हमें मौका दिया है कि हम परस्पर संवाद बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसे संवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था, लेकिन अब संचार तकनीकी में काफ़ी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस्पर संवाद को कई गुना बढ़ा सकती हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि संवाद बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है। सत्ता पक्ष को इन संवादों को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित करना चाहिए। हर पार्टी और हर सांसद का अपना महत्व है। किसी भी दल में यह संतोष नहीं रहना चाहिए कि देश पर आए संकट के समय उसकी राय नहीं ली जा रही है। ज़रूरी है कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हों। संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बेहतर देश सेवा संभव हो। किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, इट्स अ सेकेंड लेवल ऑफ एडवांस स्पीड। वर्ड्स थोड़े फास्ट होंगे तो आपको उनको कैच करने की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं
अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। बैक काउंटिंग के बाद मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय आपसी मत साम्यता ज़रूरी है और मत साम्यता के लिए निर्णायक दलों का साथ बैठना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। आज के समय में भारत जिन बड़े फैसलों की दहलीज पर खड़ा है, वहाँ हम जितनी ज़्यादा सर्वदलीय बैठक कर सकेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। संभव है शुरुआती बैठकों में मनभेद और मतभेद ही नज़र आएं, इसलिए ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर करना पड़ेगा। आज भारत सीमा पर जिस संकट का सामना कर रहा है, उसकी व्यापकता और जटिलता के मद्देनज़र हमारा किसी विचार पर पहुंचने के लिए साथ बैठना सबसे ज़रूरी है। भारत संकट के मौके पर कई बार बिखर जाता है, क्योंकि इसमें हम में साथ बैठने की बुनियादी आदत नहीं है। पर्दे के पीछे नेता भले परस्पर संबंध निभा लेते हों, मगर देश के सामने वे एक दूसरे के खिलाफ देखने में ही अपना हित देखते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ सियासी हित है। इस हित को साधने में कोई बुराई नहीं। राजनीति इसके लिए पूरे अवसर देती है, लेकिन देश की मांग और ज़रूरतों का एक अलग ही स्तर है। कोई भी देश अपने तात्कालिक नेताओं और दलों से कहीं अधिक बड़ा होता है, लेकिन आज ज़रूरी है कि इस सच को व्यवहार में लाया जाए और इसके साथ बैठना प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे में किसी सर्वदलीय बैठक में 20 दलों का शामिल होना अनुकरणीय और स्वागत योग्य है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें शारीरिक रूप से पास आने या लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोरोना के दौर में वर्चुअल या ऑनलाइन बैठकों की मजबूत होती परंपरा ने भी हमें मौका दिया है कि हम परस्पर संवाद बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसे संवाद आयोजित करने का खर्चा बहुत होता था, लेकिन अब संचार तकनीकी में काफ़ी सुधार आया है और इसकी मदद से राजनीतिक पार्टियां परस्पर संवाद को कई गुना बढ़ा सकती हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि संवाद बढ़ाने की सर्वाधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर होती है। सत्ता पक्ष को इन संवादों को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित करना चाहिए। हर पार्टी और हर सांसद का अपना महत्व है। किसी भी दल में यह असंतोष नहीं रहना चाहिए कि देश पर आए संकट के समय उसकी राय नहीं ली जा रही है। ज़रूरी नहीं कि किसी विशाल पार्टी की गोद में ही अच्छे विचार पलते हैं। संभव है कि किसी छोटी पार्टी के पास भी कोई ऐसा विचार हो जिससे बेहतर देश सेवा संभव हो। किसी भी लोकतंत्र में सबका मन और दिमाग टटोलते हुए चलने के अपने फायदे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कैसी रही है आप लोगों की ये डिक्टेशन? डिक्टेशन 100 words की थी तो थोड़ा फास्ट चलेगी। आपको इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा। जब आप इसको लिखें तो प्लीज़ कोशिश कीजिए हेडफोन का यूज़ करें ताकि कंसंट्रेशन के साथ में आप डिक्टेशन को लिख पाएँ और मेरा मोटिव और आपका वर्क क्लियर हो पाए। ओके, तो अभी के लिए आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लीजिए। जहाँ जिस शब्द में आपका हाथ अटकता है उस शब्द को अलग हाईलाइट कीजिए और उसको प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि तभी आप अपनी मिस्टेक्स पर
ओवरटेक कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स आपको ओवरटेक कर लेंगी और आपकी स्पीड डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाना है तो मिस्टेक्स को ओवरटेक करना है। तो अभी के लिए आप इसको प्रॉपर मैनेज कीजिए और अपनी मिस्टेक्स को ओवरटेक कीजिए। और हमने आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है जो चैनल के नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको PDF प्रूफ्स प्रोवाइड होंगे, जिससे कि आपको और हेल्पफुल हो जाएगा शॉर्ट हैंड मैनेज करना। तो अभी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।